दोस्तों मायशी रसोई में आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर जो विंटर के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें बहुत सारी स्पेशल चीज़ें डालेंगे। अगर आप इसकी एक कटोरी रात को पीकर सो जाते हैं तो आपका सुबह को पेट साफ रहेगा। अगर आपको सर्दी जुकाम की दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है वो भी दूर हो जाएगा। आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। कब्ज को दूर करता है, शरीर को ताकत देता है, बॉडी में कहीं भी पेन हो उसे भी दूर करता है। तो चलिए फ्रेंड झटपट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड इसका जो फर्स्ट इंग्रीडियंट है वो है मखाने। मखाने में बहुत ही कम कैलोरी होती है, फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। इसके सेवन से आपकी किडनी और दिल को बहुत फायदा मिलता है, कैल्शियम से भरपूर होता है और उसके साथ ही इससे तुरंत एनर्जी मिल जाती है। इसमें दो और स्पेशल चीज़ें जाएंगी जिसमें फ्रेंड्स पहली चीज़ है अजवाइन। अजवाइन की जो तासीर होती है बहुत ही गर्म होती है। और दूसरी चीज़ मैंने ली है सौंठ, यानी कि जिंजर का पाउडर, सूखी हुई अदरक का पाउडर होता है। और ये दोनों ही चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इनकी प्रॉपर्टीज़ की हम आगे बात करेंगे, तो उससे पहले मैंने ये जो अजवाइन ली थी इसे हल्का सा मैंने गर्म कर लिया और उसके बाद इस तरीके से हल्का सा दरदरा कर लेंगे। आप चाहें तो हल्का सा मिक्सी में डालकर चर्न कर सकते हैं या आप इसी तरीके से खरल में या हाथ से भी कर सकते हैं। ये हल्की सी दरदरी हुई, इसी के अंदर हम ये सौंठ का पाउडर डाल देंगे और दोनों को बस मिक्स भर कर लेंगे क्योंकि पाउडर तो ऑलरेडी हमारा पिसा हुआ है। उसके बाद मैंने गैस ऑन करी, उसके ऊपर कढ़ाई रखी और उसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून जितना देसी घी। फ्रेंड देसी घी को इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है क्योंकि इसमें होते हैं विटामिन ए सी और ब्यूटिक एसिड पाया जाता है। कब्ज की समस्या के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। बस इसमें हमने जो मखाने लिए थे ये डाल देंगे और इन्हें बढ़िया सा तल लेंगे जिससे ये काफ़ी क्रंची से हो जाएंगे और इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा घी कम डालना तो आप इन्हें पहले ड्राई रोस्ट करके भी बना सकते हैं, लेकिन घी के साथ बनाएंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे। इस तरीके से अगर आप घी खाते हैं तो आपको मोटापा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये लीजिए 2 से 2.5 मिनट में मीडियम फ्लेम पर हमारे मखाने बढ़िया से तलकर तैयार हैं। तो थोड़ा सा घी और डाल देते हैं, थोड़ा सा घी बच गया था, थोड़ा सा और डाल दिया और अब हम इसमें डालेंगे। और ये मैंने लिए 1 टेबल स्पून खरबूजे के बीज, साथ ही 1 टेबल स्पून जितने तरबूजे के बीज। और बीजों में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो दिल की जुड़ी बीमारियों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इन दोनों को हम हल्का सा बस गरम कर लेंगे, बहुत जल्दी से सिककर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून जितने बादाम जिसे इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। फ्रेंड्स अगर आप इसे बड़े बूढ़े के लिए बना रहे हैं और उन्हें दांतों की दिक्कत है तो आप इन सब चीज़ों को हल्का सा मिक्सी में चला लें। 1 टेबल स्पून जितने काजू ले लिए और काजू को भी लंबाई में कट कर लिया है और इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। फ्रेंड्स हमने इसमें डाली है अजवाइन। अजवाइन से आपको अगर सिर के दर्द की प्रॉब्लम है, दांतों के दर्द की प्रॉब्लम है या आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो उन सब में बहुत ही फायदा करता है। अजवाइन से वजन भी कम होता है। और अब बात करते हैं सौंठ की। तो सौंठ जो होता है इम्यूनिटी बूस्टर होता है, उसके साथ ही वजन कम करता है, सिर के दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको चेस्ट पेन है, आपको खाने पीने के बाद हजम नहीं होता, आपकी बॉडी में कहीं अंदरूनी सूजन है, उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया है। और फ्रेंड्स बादाम में होता है एकदम उच्च स्तर का फाइबर जो पेट की पाचन क्रिया के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप बादाम को रात में भिगो दें और सुबह सुबह खाएं तो आपको बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम भर भर के बादाम का। ये लीजिए प्रॉपर्टीज़ बताते बताते हमारी सब चीज़ें बढ़िया सी भून कर तैयार हो गई हैं। मैंने इसे एकदम स्लो गैस पर भुना है और ये मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून जितना नॉर्मल गेहूँ का आटा। इससे थोड़ी सी बाइंडिंग मिल जाएगी। अगर आप आटा नहीं डालना चाहते तो बिना आटे के भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप सारी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें साइडों से कर दें, वरना ये आटे के साथ अगर आपने इन्हें लगातार चलाया तो ये जल भी सकते हैं। आटे को 1 से 1.5 मिनट चलाया उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये अजवाइन और सौंठ। और फ्रेंड्स आपको ये लास्ट में डालने हैं क्योंकि अगर आपने इन्हें बहुत शुरू में ही डाल दिया तो ये जल जाएंगे, इसकी जो बढ़िया प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो एकदम ख़त्म हो जाएंगे और साथ ही टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक एकदम स्लो गैस पर भूनेंगे। फ्रेंड्स इसके लिए आप फ्लेम पर ज़रूर ध्यान रखें, फ्लेम रहना चाहिए एकदम स्लो।
और अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं काजू की। काजू में होता है प्रचुर मात्रा में विटामिन ई, ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, यानी बढ़ती उम्र के प्रभाव को काफी कम कर देता है। काजू में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया 3 कप जितना पानी। फ्रेंड्स आप इसे 2 कप के साथ भी बना सकते हैं, 4 कप के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि आपकी मर्जी है। और इसके बाद बारी है फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा मीठा करने की। मीठा करने के लिए हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं इसे इम्यूनिटी बूस्टर, तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे जैगरी यानी कि गुड़। और मैंने करीब 50 से 60 ग्राम जितना गुड़ ले लिया है। और मीठे का क्या है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गुड़ की प्रॉपर्टीज की। वैसे तो गुड़ कितना ज़्यादा फायदेमंद है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गुड़ खाने से कमजोरी दूर होती है। गुड़ जो होता है खून को बढ़ाता है, पेट को साफ रखता है। अगर आप रात को थोड़ा सा गुड़ दूध के साथ पीकर सो जाते हैं तो आपका पेट सुबह बिल्कुल साफ रहेगा। और ज़्यादातर जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो पेट से होती हैं, तो अगर आपने गुड़ खा लिया पेट की बीमारियाँ नहीं होंगी, तो आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। अगर आप थोड़ा सा इंस्टेंट इसे बनाना चाहते हैं तो आप गुड़ को थोड़ा सा तोड़ लीजिए, वरना पानी के साथ 2 से 3 मिनट में अगर आपने ताज़ा गुड़ लिया है तो वो बढ़िया सा मेल्ट हो जाएगा। और ये देखिए करीब 3 से 4 मिनट हुए हैं, गुड़ बढ़िया सा मेल्ट हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स इसे आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो चीज़ें ली हैं उन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं होती और सभी बहुत ही बढ़िया हैं। तो थोड़े से हरे पिस्ते डाल देते हैं। वैसे तो इसका जो लुक होता है वैसे ही बहुत शानदार है, पर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, थोड़ी हरियाली सी आ जाएगी। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी इम्यूनिटी बेस्टर हरीरा बनकर तैयार है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और बारी है प्लेटिंग करने की। फ्रेंड्स अगर इस तरीके से आप ये हरीरा बनाते हैं और रात को आप इसे 1 कटोरी खाकर सो जाते हैं तो सुबह को इसके जो आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं वो अनगिनत हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही शानदार रेसिपी है और सर्दियों के लिए बहुत ही बढ़िया है, इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर किसी को न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो उस मदर के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया होती है। घर में बड़े बूढ़े हैं आप उन्हें दे सकते हैं, बच्चे हैं उन्हें दे सकते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, साथ ही बदन दर्द की कमजोरी, सिर में बालों का झड़ना, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे हमेशा ही 2-4 होते रहते हैं, और उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसमें कितनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी हैं वो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकती, उसके लिए आपको इसे गूगल करना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी होगी, एक बार जरूर ट्राई करेंगे और फीडबैक में मुझे बताएंगे। अच्छी लगी होगी इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें।